Hello, dear students. Welcome back to our channel GAN Lab. Now, today we will resume your chapter Enhancement of Food Production with the next topic that is Role of Microbes as Biocontrol Agents. Today, we will discuss microorganisms. का एक और फंक्शन पढ़ने वाले हैं दैट इज़ बायो कंट्रोलिंग बायो कंट्रोलिंग क्या होता है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से एजेंट्स को कंट्रोल करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं न्यू सब्सक्राइबर हैं न्यू वॉचर हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके और एक चीज़ हमने आपके कन्वीनियंस के हिसाब से अपना एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है ज्ञान लैब आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल चैनलो मेक श्योर दैट यू फॉलो आर इंस्टाग्राम आई डी दैट इज्ञानी फॉलो आर फेसबुक पेज यहां पर हम हमारे बिहाइंड द सीन्स और अपडेटेड सेशन डालते हैं डायग्राम्स की फोटोज डालते हैं सो यू विल हैव सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अस दैट वॉट टू वी डू ओके ऑल राइट सो सब्सक्राइब अगर कर दिया है आपने देन लेट्स बिगिन विद आउट टूडेज सेशन ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट सबसे पहले तो बायो कंट्रोल इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं वॉट डू वी मीन बाय बायो कंट्रोल बायो कंट्रोल बायो मीनस लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कंट्रोल करना मतलब किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करना जो हमारे लिए हजार्डियस है हजारडियस एज एन विच इज नॉट गुड फॉर एस विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर एस ओके ऑन अ लार्ज स्केल वेन वी टॉक अबाउट इट तो so, हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जब यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायो कंट्रोल मतलब एक ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए हम दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं बायो मीन्स क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म सो टू किल वन ऑर्गेनिज्म और टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ वन ऑर्गेनिज्म वी आर यूजिंग अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज बायो कंट्रोलिंग और सच एजेंट्स सच ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायो कंट्रोल एजेंट्स ठीक है तो चलिए देखते हैं हमको इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है स्टार्ट करें ऑलराइट The term bio, bio control refers to the use of biological methods to control diseases and pests. अभी सबसे पहली लाइन में हमको क्या बोला गया है कि bio control word का मतलब क्या होता है जब हम biological method use करते हैं अपने farms में या अपने industries में कोई भी diseases या insects को रोकने के लिए, okay? The term bio control refers to the use of biological methods to control diseases and pests. It is known as bio control. द नेचुरल मेथड ऑफ़ एलिमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग इंसेक्ट अब समझो कि मुझे कोई केमिकल यूज़ नहीं करना है क्योंकि अगर मैं फार्मिंग का एग्जाम्पल लूँ हम जब खेती करते हैं तो फार्मिंग में क्या होता है बहुत बार हम जब केमिकल छिड़कते हैं कोई इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं हर्बिसाइड छिड़कते हैं तो उसके वजह से केमिकल रेसिड्यूज हमारी सॉइल में रह जाता है जिसकी वजह से फूड की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है मुझे किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए और किसी भी तरीके का हेल्थ रिस्क नहीं चाहिए तो ये अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूँगी मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करूँगी जो मेरी सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ जो अनवांटेड माइक्रोब्स हैं उनको किल भी करेगा तो नेचुरल मेथड क्या है बायो uh, कंट्रोल करने का द द नेचुरल मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एंड अदर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स इज बाय यूजिंग देयर नेचुरल बायोलॉजिकल एनिमीज दुश्मन को दुश्मन से मारो मतलब क्या बोला गया है यहां पर कि uh, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल दू ईगल और स्नेक जो चील होता है चील और स्नेक चील स्नेक को खाता है और स्नेक मेंढक को खाता है करेक्ट तो समझो आपकी फील्ड में अगर स्नेक है तो मतलब आपकी फील्ड में मेंढक कभी नहीं आएंगे क्योंकि स्नेक सारे मेंढक को खा जाएगा तो ये मतलब एक टाइप का साइकिल है कि आप एक ऑर्गेनिज्म को यूज करते हो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए मैंने ये एकदम रैंडम एग्जाम्पल दिया है हम एक्चुअल माइक्रोब्स कौन से यूज होते हैं इंसेक्ट्स को किल करने के लिए वो हम पढ़ने वाले हैं तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर द नेचुरल वे ऑफ एलिमिनेटिंग एनी इंसेक्ट और पेस्ट इज बाय यूजिंग देयर नेचुरल बायोलॉजिकल एनिमीज ओके दिस इज कॉल्ड बायो कंट्रोलिंग और बायो कंट्रोल एजेंट्स इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बायो कंट्रोलिंग या इन एजेंट्स को मतलब जो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ कर रहे हैं उन एजेंट्स को हम बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स आगे बढ़े आर यू रेडी ऑल राइट अब आगे क्या बताया गया हमको द एजेंट्स विच आर एम्प्लॉयड फॉर दिस आर कॉल्ड बायो कंट्रोल एजेंट्स मतलब जिस ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए तो इस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे बायो कंट्रोल एजेंट ठीक है मतलब जैसे समझो आप कोई पुलिस हायर करते हो किसी क्रिमिनल को मारने के लिए दोनों ह्यूमन बींग्स हैं लेकिन दोनों का काम अलग अलग है करेक्ट तो एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारता है तो इस मारने वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट क्या बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट ओके माइक्रोब्स आर वन अमंग देव. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी कुछ ऐसा ही काम है आप केमिकल्स यूज कर सकते हो आप डायरेक्ट पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हो आप इंसेक्टिसाइड्स यूज कर सकते हो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं सारी मेडिसिन हमको इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज की जा सकती है लेकिन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं तो दे आर ऑल्सो वन ऑफ द सोल्यूशन दीज माइक्रोव इंक्लूड देखो ये माइक्रोव की कैटेगरी में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं बैक्टेरिया फनजाई वायरसेस एंड प्रोटोजोन्स चार हमको ग्रुप्स बताए गए हैं चार कैटेगरीज बताई गई हैं कि हम कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं इस बायोक

टू द पेस्ट वो क्या करेंगे समझो मैंने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया है किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए समझो मैंने एक्स लिया है मैंने यहाँ पर एक्स लिया है ताकि ये वाई को किल कर सके अब ये एक्स तीन तरीके से काम करेगा पहला तरीका क्या है कि या तो ये इसको बीमार कर देगा क्या कर देगा हमारे वाई के ऊपर डिजीज़ कॉज कर देगा दूसरा तरीका क्या है कि वो इसको इसके साथ कॉम्पीट करेगा कॉम्पीट मतलब जो न्यूट्रिएंट्स वाई को चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स एक्स ले लेगा तो वाई को कुछ न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो वाई अपने आप मर जाएगा सो इट विल कम्पीट विद इट और तीसरा तरीका क्या है दिस इज द सेकेंड वे और तीसरा तरीका क्या है वाई को किल करने का डायरेक्ट उसको मार देना सो so हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये तीन तरीके से काम करते हैं दे आइदर कॉज द डिजीज टू अवर ऑर्गेनिज्म टू अवर इंसेक्ट पेस्ट दे आम्पीट विद दस्ट और दे डायरेक्टली किल देश दिस इज द थर्ड वेव तो देखो थ्योरी में भी हमको यही बताया गया है माइक्रोब्स इज बायो कंट्रोल एजेंट एक्ट इन थ्री वेज आइर दे कॉज द डिजीज टू देस्ट और कम्पीट और किल दैम केमिकल्स इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर एक्सट्रीमली हार्मुल टू ह्यूमन बींग्स मैंने आपको ये बिगनिंग में ही बताया कि हम केमिकल्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसका जो रेसिड्यू है जो बचा हुआ केमिकल सॉइल में रह जाता है और उसके वजह से प्लांट्स के अंदर वो केमिकल्स जो ट्रांसफर होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा क्वालिटी का फूड हमको देता है सो इट इज़ एक्सट्रीमली रिस्की ओके सो द केमिकल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड दे ऑल्सो पल्यूट आवर इन्वायरमेंट सॉइल पोल्यूशन होता है उनके वजह से वाटर पोल्यूशन होता है उनके वजह से क्योंकि खेत का जो पानी बहकर आएगा वो उसमें भी केमिकल्स रहेंगे तो वो पानी अगर एनिमल्स पिएंगे तो

लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेस्ट भी एक तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट देता है तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिर्फ एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस शायद ही एक या दो होंगे ओके सो लिविंग ऑर्गे यूजिंग बायो कंट्रोल एजेंट्स और यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ वेरी बेनिफिशियल टू अस और वो हमारी डिपेंडेंस कम कर देगा मतलब हमको फिर किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा किसी दूसरे केमिकल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि जब ये केमिकल छिड़केंगे खेत में तब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे केमिकल को हम पूरी तरीके से टाटा बाय बाय कर सकते हैं अगर बायो कंट्रोल एजेंट्स को हम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं सो so, आपको ये दोनों पैराग्राफ समझ में आए इंट्रोडक्शन के लेट्स मूव अहेड ऑलराइट चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे के टॉपिक में आगे के सेशन में क्या बताया गया है हमको यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली बायो कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं वो हम देखेंगे तो देखते हैं कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं अब सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिजम कौन सा बताया गया है सबका फेवरेट जो आप टेंथ स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो इलेवन स्टैंडर्ड में भी आपने इसके बारे में पढ़ा था बैसिलस थुरिन जेन्सिस किसके बारे में बताया है बैसिलस थुरिन जेनसिस ओके जिसको हम बोलते हैं बी टी ऑल राइट ओके तो क्या बताया गया है हमको इसके बारे में सबसे पहले तो आप मुझे बताओ आपको इसके बारे में क्या पता है कि ये कोई एक बैक्टीरिया है जो येस yes, जो बायो फर्टिलाइजर या बायो कंट्रोल एजेंट के जैसे काम करता है चलिए देखते हैं आपकी नॉलेज को थोड़ा और एनहांस करते हैं सो बैसिलस बैसुलिसनेसिस और बी टी इज यूज टू रिड ऑफ इज यूज टू गेट रिड ऑफ बटरफ्लाई कैटापिलर्स वे ड्राइड स्पोर्स ऑफ बैसेन जेनसिस आर मिक्सड विथ वाटर एंड स्प्रेड ऑन टू वलरेबल प्लांट्स सच एज़ ब्रासिकास एंड फ्रूट ट्रीज अब हमको क्या बोला गया है कि सबसे पहला बैसिलर थुरिन जेनसिस ये जो बी ऑर्गेनिज्म है ये किससे छुटकारा पाने में हेल्प करता है इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ वॉट किससे छुटकारा देता है हमको ये बटरफ्लाई से कैटरपिलर्स से मतलब जो छोटे छोटे कैटरपिलर्स होते हैं जो हमारी पालक की भाजी को या आप बोल सकते हो फ्लावर्स uh, को या किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर जो होल्स करते हैं उनसे हमको ये छुटकारा देने में हेल्प करते हैं ओके सो इट हेल्प्स टू गेट अस द रिड ऑफ कैटोपिलर्स अब ये कैसे करते हैं बैसिलस थुरेंजेनेसिस के जो स्पोर्स होते हैं मतलब इस बैक्टीरिया को हम स्पोर फॉर्म में ग्रो करते हैं इनके जो छोटे 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 स्पोर्स होते हैं ड्राई स्पोर्स उसको हम पानी के साथ मिक्स करते हैं और उसको अलग अलग प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर देते हैं पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वो स्पोर्स डिजोल्व हो जाते हैं और उसको हम जब अलग अलग प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो ये बैसिलस थेंजेनेसिस हर एक प्लांट के ऊपर चला जाएगा अब जब भी कोई कैटरपिलर हमारे भाजी के पत्ते को खाने आएगा तो क्या होगा कि समझो इमेजिन करो यहाँ पर देखो समझो ये आपका प्लांट है ठीक है प्लीज ओके okay, तो समझो अभी इमेजिन करो कि आपके लीव्स हैं और मैंने इसके ऊपर का स्प्रे किया है अब यहाँ पर समझो कि कोई कैटरपिलर आ रहा है ऐसे नहीं आएगा कैटरपिलर हाँ यहाँ पर ऐसे इमेजिन करो कि कोई कैटरपिलर इसको खाने आ रहा है ठीक है अब कोई कैटरपिलर जब इस पत्ते को खाएगा तो क्या होगा इसके अंदर जो बीटी था वो किधर जाएगा वो जाएगा कैटरपिलर के स्टमक में कहाँ पर जाएगा कैटरपिलर के स्टमक में कैटरपिलर के स्टमक में जाने के बाद कैटरपिलर के स्टमक में जो एसिड होता है उसके साथ ये बी टी क्या बनाएगा एंडोटॉक्सिन बनाएगा क्या बनाएगा एंडोटॉक्सिन आपको इसके बारे में डिटेल में पता करने की जरूरत नहीं है वैसे तो फिर भी मैं सिंपल टर्म्स में बता देती हूँ कि जब हमारा बैसिलस बैसिलसथुरजनिस बैक्टीरिया का स्पोर ये स्पोर जब कैटरपिलर के स्टमक में जाएगा

अंडरस्टूड तो हम जो स्प्रे करते हैं हमारे बैसिलिस्स थुरेंजेनेसिस का या कोई भी इंसेक्टिसाइड जब हम स्प्रे करते हैं तो वो या तो डायरेक्टली असर करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर या तो इनडायरेक्टली करता है तो एक बार अगर किसी कैटरपिलर ने कोई पत्ता खा लिया तो तुरंत उसकी चार से छः घंटे के अंदर मौत हो जाएगी जिसकी वजह से दोबारा कोई कैटरपिलर उस पेड़ पर पे नहीं आएगा या दोबारा उनकी स्पीशीज वहाँ पर हमको नजर नहीं आएंगे डिड यू अंडरस्टैंड तो ऐसे में ना तो हमको कोई केमिकल छिड़कना पड़ा और ये बैसिलसथ जो पत्ते के ऊपर होते हैं ये जब हम भाजी खाने से पहले वॉश करते तो नॉर्मल वॉशिंग करते ही वो सारा का सारा स्प्रे निकल जाता है क्योंकि हमने पानी मिक्स किया था तो कोई केमिकल uh, काम करने का सवाल है नहीं होता। और ये बैसिलस आपकी बॉडी तो पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके टॉक्सिन का एंटीटॉक्सिन हमारी बॉडी में है वे थ्रू विच यू कैन कंट्रोल यू कैन कंट्रोल डैमेजिंग योर लेट मी क्लियर द बोर्ड ठीक है समझ में आ रहा है आपको बैसिलस थ्रेंजेनिस क्या करता है बैसिलस थुरेंजेनिस के स्पोर्स को हम वाटर में मिक्स करते हैं और प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे बटरफ्लाई या कैटोपिलर जैसे कोई भी इंसेक्ट उस प्लांट के ऊपर वापस ग्रो नहीं हो पाएंगे और जिसकी वजह से हमारी फील्ड डैमेज होने से बच जाएगी अब आगे देखते हैं थ्योरी में क्या बताया गया है ओके आर यू रेडी ऑल राइट सो दीज स्पोर्स आर देन ईटन बाय द इंसेक्ट मतलब ये जो स्पोर्स हैं ये इंसेक्ट खा लेते हैं ईटन बाई इंसेक्ट लार्वे इन द गट ऑफ द लार्वे द टॉक्सिन इज रिलीज एंड द लार्वे गेट किल्ड इवेंचुअली तो हमारे इंसेक्ट के गट में इंसेक्ट के स्टमक में गट मतलब क्या होता है इंसेक्ट का स्टमक किसी भी एनिमल के गट को स्टमक बोलते हैं या स्टमक को गट बोलते हैं सो so, uh, क्या होता है जब हमारा लार्वे जब हमारा इंसेक्ट ये स्पोर खाता है बैसिलस जिनेसिस के स्पोर्स को खा लेता है तो उसके स्टमक में कौन सा प्रोटीन रिलीज होता है क्राई प्रोटीन क्राई प्रोटीन इज अ टॉक्सिन विच इज़ नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनिज्म इट किल्स द ऑर्गेनिज्म कराई प्रोटीन हमारी बॉडी में होगा तो ठीक है लेकिन इंसेक्ट की बॉडी में होगा तो इट कैन नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द इंसेक्ट एंड इवेंचुअली द इंसेक्ट विल डाय सो डिड यू अंडरस्टैंड बैसिलोस्थुरजेनेसिस का मैकेनिज्म कैसे है वो कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है ओके okay. आगे बढ़े सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ ऑल राइट right. अब सेकंड स्पीशी हमको कौन सा बताया गया है ट्राइकोडर्मा का स्पीशी बताया कौन सा बताया ट्राइकोडर्मा स्पीशीज दीज आर फ्री लिविंग फन जाय फाउंड इन द रूट इकोसिस्टम दैट इज राइजोस्पियर हाँ तो ये एक फंगल स्पीशी है ट्राइकोडर्मा स्पीशी कौन सी है ऊपर जो हमने देखी बी टी बैसेलोस्थुरेंजेनेसिस वो एक बैक्टेरियल स्पीशी थी ट्राइकोडर्मा एक फंगल स्पीशी है और ये कहाँ पर मिलती है हमको ये हमको किसी भी प्लांट के रूट के आसपास मिलती है राइजोस्पियर बीटी को हम लीव्स पर छिड़कते हैं और ट्राइकोडर्मा कहाँ मिलता है हमको रूट पे मिलता है ठीक है नियर द रूट्स राइजोस्पियर मतलब रूट के आजू बाजू में ओके दीज आर इफेक्टिव एज बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल सॉइल बोन फंगल प्लांट पैथोजेंस क्या बोला गया है हमको यहाँ पर दीज आर इफेक्टिव एज बायो कंट्रोल एजेंट्स मतलब ये ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो है ये प्लांट पे अगर कोई फंगल इंफेक्शन हो रहा है तो उस फंगल इन्फेक्शन को किल करने के लिए हम ट्राइकोडर्मा का स्पीशी यूज करते हैं मतलब दीज आर इफेक्टिव एज बायो कंट्रोल एजेंट्स ऑफ सेवरल सॉइल बॉर्न फंगल प्लांट पैथोजेंस सॉइल की वजह से अगर प्लांट पे कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो फंगल इन्फेक्शन ठीक करने के लिए या उस फंगस को किल करने के लिए हम कौन सा स्पीशी यूज़ करेंगे ट्राइकोडर्मा स्पीशी ये सारे स्पीशीज़ के नाम आपको कम से कम ट्वेंटी फाइव टाइम्स लिखकर प्रैक्टिस करना है देन ओनली यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट ओके ऑल द फंगस प्रोड्यूसे सब्सटेंसेज लाइक विरिडीन ग्लायोटॉक्सिन ग्लियोविरिन एट्सेट्रा तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर ये फंगस कैसे uh, ये फंगस जो है मतलब ये ट्राइकोडर्मा जो है ये दूसरे फंगस को मारने के लिए क्या बनाता है इट मेक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन्स जैसे कि विरिडीन ग्लायोटॉक्सिन ग्लियोवरिन एट्सेट्रा दैट इनहिबिट द अदर सॉइल बोन पैथोजेंस अटैकिंग रूट राइजोम्स एट्सेट्रा कॉजिंग रॉड डिजीजेस मतलब अगर कोई दूसरा फंगस ग्रो हो रहा है सॉइल में हमारे प्लांट को खराब करने के लिए सड़ाने के लिए रॉड करना मतलब क्या होता है सड़ाना तो हमारे प्लांट को सड़ाने के लिए अगर कोई दूसरा फंगस ग्रो हो रहा है सॉइल में तो उस ग्रोइंग फंगस को मारने के लिए हम कौन सा फंगस यूज करेंगे ट्राइकोडर्मा स्पीशी मतलब देखो एक ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हम दूसरा ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं तो इसी को तो हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बायो कंट्रोलिंग सो ट्राइकोडर्मा स्पीशी को हम यूज करते हैं सॉइल बोर्न फंगल पैथोजेंस मारने के लिए ताकि हमारी अंडरग्राउंड ग्रो होने वाली वेजिटेबल्स खराब ना हो क्योंकि ये ट्राइकोडर्मा कहाँ ग्रो हो सकते हैं रूट्स में सो डिड यू अंडरस्टैंड बैसिलस थ्रिंजिसिस यूज करते हैं कैटोपिलस इंसेक्ट्स को मारने के लिए और ट्राइकोडर्मा स्पीशी एक फंगस है उसको हम यूज़ करते हैं दूसरे फंगस मारने के लिए ठीक है आगे बढ़े ऑल राइट अब आगे हमको क्या बताया गया है फोर ग्रुप्स ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स आर नोन मैंने आपको पहले ही बताया था कि बायो कंट्रोल एजेंट फोर ग्रुप्स होते हैं बैक्टीरिया फनजाई वायरस एंड प्रोटोजोन्स सो दे आर बैक्टीरिया फनजाई वायरसेस एंड प्रोटोजुवन्स कौन सा बैक्टेरिया कौन से इंसेक्ट को मारता है कौन सा फंगस कौन से आ, फंगस को मारता है कौन सा वायरस किसके ऊपर अटैक करता है ठीक है ओके सो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड एंड देर होस्ट द को रिलेशन इज डिपिक्टेड एस पर दॉलोइंग टेस्ट ओके okay, तो चलिए अब हम देखते हैं टेबल जो माइक्रोब्स और उनके होस्ट के बारे में बताया गया है द टेबल इज वेरी कलरफुल यू विल लाइक इट एंड इवन इफ यू डोंट लाइक इट यू हैव टू एनी वेज बाई हार्ट इट बिकॉज इट कैन बी आस्ट इन योर एग्जाम एज ऑब्जेक्टिव ओके ऑल राइट right. तो अब सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल्स मतलब कौन से बैक्टीरिया यूज़ होते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए कौन से इंसेक्ट को किल करने के लिए तो हम देखेंगे बायो कंट्रोल एजेंट और उसका होस्ट बायो कंट्रोल एजेंट और उसका होस्ट ओके okay. सो so, पहला हमको बैक्टीरिया दिया गया है कौन से बैक्टीरिया यूज़ करते हैं हम एक एग्जाम्पल हमने पहले ही देखा बैसिलस थुरजेंसिस उसके अलावा कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं कौन से बैक्टीरिया हैं बैसिलस पैपिले एंड बैसिलस लेंटीमॉर्बस ये तीन ऐसे टाइप के बैक्टीरिया हैं जो आप यूज़ करते हो अलग अलग इंसेक्ट को किल करने के लिए जैसे कि कैटोपिलर्स कैबिज वर्म अडल्ट बीटल एट्सट्रा कैटोपिलर्स आपको पता है क्या होते हैं कैबेज uh, वर्म क्या होता है जो आपके पत्ता गोभी में व्हाइट कलर के वर्म्स होते हैं जो होल्स करते हैं या हमारे कैबेज को नुकसान पहुँचाते हैं उन वर्म्स को भी मारने के लिए हम ये बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं एंड अडल्ट बीटल मतलब बड़े 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 जो बीटल्स होते हैं जो स्पिनाच वगैरह पालक वगैरह के पत्ते में होल्स करते हैं तो उन इंसेक्ट्स uh, को भी हम मार सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टेरियल माइक्रो बायो कंट्रोल एजेंट फिर सेकेंड आपको बताया गया है फंगल कैटेगरी के बारे में कौन से फंगस यूज़ किए जाते हैं टू किल विच होस्ट सो so, हमको कुछ नाम दिए गए हैं बड़े आडे टेढ़े से नाम है यू हैव टू प्रैक्टिस इट स्पेलिंग पहला हमको एग्जाम्पल दिया गया है बीवरिया बैसियाना सेकेंड है एंटोमो एंटोमोफोरा थर्ड है पैलीडेरोसियम एंड फोर्थ है जूफ थोरा रेडिकांस ये स्पेलिंग्स आपको याद करनी है ये चार ऐसे फंगल ग्रुप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप के फंगल इन्फेक्शन को किल करने के लिए तो वो कौन से फंगल और, इन, फंगल पैथोजें्स है जिसको हमको किल करना है हमने ये वाले ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए मतलब ये फंगस वाले ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए उसके होस्ट को किल करने के लिए तो कौन से होस्ट हैं अफिड कोकाय है, अफिड अनग्यू मीली बग्स माइट्स वाइट फ्लाइज एसेट्रा छोटे छोटे बग्स छोटी छोटे कीड़े मकोड़े छोटे छोटे फ्लाइज जो होती हैं मक्खियाँ वगैरह मच्छर वगैरह जो होते हैं जो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुँचाते हैं या फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं उनको किल करने के लिए हम ये चार फंगल स्पीशीज़ यूज़ कर सकते हैं जैसे एंटोमोफ थोरा जूफ थोरा रेडिकांस एट्सेट्रा एट्सेट्रा अब नेक्स्ट हमको बताया गया है प्रोटोजोवनस के बारे में तो कौन सा प्रोटोजोवन एक ही प्रोटोजोवन का एग्ज़ाम्पल दिया गया है विच कैन बी यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट दैट इज नोसेमा लेक्यूस्टे ओके नोके नोसेमा लेक्यूस्टे क्या करने के लिए हेल्प किया जाता है इट हेल्प्स टू किल और इट हेल्प्स टू एलिमिनेट ग्रास हॉपर कैटरपिलर्स एंड क्रिकेट्स क्रिकेट्स मतलब वो छोटे छोटे टिक -टिक -टिक, टिक 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 करने वाले जो इंसेक्ट होते हैं ना जो प्लांट के ऊपर अंदर हड्डा खड्डा करते हैं ओके okay? प्लांट के वुड को ख़राब करते हैं सो so, उन इंसेक्ट्स को किल करने के लिए वी कैन यूज दीज प्रोटोसोवानस अदर देन दैट द लास्ट कैटेगरी इज वायरसेज सो विच वायरसेज कैन वी यूज टू किल होस्ट ऑर्गैनिज्म सो न्यूक्लोपोलीड्री वायरस पोलीहाइड्रोवायरस यस एन पी वी जिसको हम बोलते हैं एंड ग्रैन्योलो वायरस विच इज़ ऑल्सो नोन एज जी वी वीज आर यूज टू किल कैटरपिलर्स एंड जिप्सी मॉथ एंड्स wasps एंड बीटल्स ऐसे अलग अलग टाइप के छोटे छोटे से चीटी चीटी कीड़े मकोड़े जो हमारे प्लांट को खराब कर सकते हैं उसके अंदर का न्यूट्रिएंट वेस्ट कर सकते हैं बर्बाद कर सकते हैं उनको मारने के लिए हम वायरसेस का भी यूज़ करते हैं मतलब हम प्लांट के लीफ में वायरस इंजेक्ट कर देते तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा अगर इसको खाने आएगा तो उसकी बॉडी में टॉक्सिक प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिजम की डेथ हो जाएगी सो दीज आर सर्टन माइक्रोब माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स विच कैन भी यूज टू किल दीज होस्ट और इसके वजह से ना तो कोई केमिकल पेस्टिसाइड पीछे रहेगा सॉइल में और न ही उससे ह्यूमन्स को

इम्पॉर्टेंट हर्ब्स को तो हम किल नहीं करेंगे लेकिन जो अनवांटेड हर्ब्स हैं उनको हमको किल करना है क्योंकि वो अनवांटेड हर्ब्स जैसे कि अगर मैं वीड का एग्जांपल लूँ मैं यहाँ पर गांजे की बात नहीं कर रही हूँ कोई भी अनवांटेड ग्रास जो ग्रो होती है उसको हम वीड बोलते हैं तो ये जो वीड होती है ये वीड क्या करेगी ये हमारे एक्चुअल प्लांट्स का न्यूट्रिएंट खा लेगी मतलब ये दिखने में घास जैसी होती है लंबे लंबे पत्ते होते हैं इसके तो हम अपनी खेती में अगर कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो क्रॉप ग्रो होने के बजाय ये वीड ग्रो हो रही है तो सारा सॉइल का न्यूट्रिएंट और जो खाद फर्टिलाइज़र हमने डाला है हमारी सॉइल में वो सारा न्यूट्रिएंट्स कौन यूज़ कर लेगा ये वीड यूज़ कर लेगी मुझे इस वीड को किल करना है क्योंकि ये मेरे प्लांट का न्यूट्रिय यूज़ कर रही है ये मेरे ये वीड जो है ये घास पूस जो है ये मेरे प्लांट के साथ कॉम्पीट कर रही है उसका न्यूट्रियट्स खाने के लिए तो ऐसे हर्ब को हम अनवांटेड हर्ब बोलते हैं क्या बोलते हैं अनवांटेड हर्ब अब इस हर्ब को मुझे किल करना है तो हर्बी साइड हर्ब मीन्स प्लांट और एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ स्पीशी एंड साइड मीन्स किलिंग सो हर्बी साइड मतलब क्या होता है कि टू किल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ हर्ब और बायो हर्बिसाइड मतलब क्या होता है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ कर रहे हैं चाहे फंगस हो चाहे बैक्टीरिया हो इन वीड्स को किल करने के लिए इन वीड्स की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए ताकि हमारा क्रॉप ग्रो हो लेकिन ये अनवांटेड कचरा ग्रो ना हो क्योंकि अनवांटेड कचरा सॉइल का सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेगा तो हमारी खेती ग्रो नहीं हो पाएगी आर यू गेटिंग इट सो बायो हर्बिसाइड्स के कॉन्टेंट में हम यही पढ़ने वाले हैं सो लेट अस हैव अ लुक एट द थ्योरी वॉट इज गिवन वीड्स आर द अनवॉन्टेड प्लाट्स दैट ग्रो इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स दे आर नॉट एट ऑल नीडेड ओके विच आर ग्रो इन इन फील्ड्स पॉन्स लेक्स एट्सेट्रा वीड्स कम्पीट विद द मेन क्रॉप इन द फार्म लैंड फॉर वाटर ये वीड क्या करते हैं इसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है और अगर ये ग्रो होंगे तो ये क्या करते हैं ये अपना न्यूट्रिय नहीं यूज़ करते हैं ये हमारे क्रॉप के साथ कंपटीशन करते हैं हमारे क्रॉप का वाटर हमारे क्रॉप के ग्रो होने वाली स्पेस हमारे क्रॉप का मिनरल्स हमारे क्रॉप की लाइट हमारे क्रॉप की एयर एट्सट्रा वो सारी चीज़ें वीड ले लेता है अगर वीड ने सारा न्यूट्रिएंट ले लिया तो फिर हमारा क्रॉप कैसे ग्रो होगा राइस वीट जवार कैसे ग्रो होंगे ओके एंड ऑल्सो एक्ट एज को होस्ट फॉर सेवरल पैथोजें और सिर्फ इतना ही नहीं चलो समझ में आता है कि अगर ये वीड जो है ये आ, हमारे फार्म का मतलब हमारे एग्रीकल्चर का सारा न्यूट्रिएंट ले ले रहा है तब तक ठीक है लेकिन ये सिर्फ अकेला नहीं आता है ये अपने साथ साथ बाकी के पैथोजेंस को भी ग्रो करने की कैपेसिटी देता है तो मतलब एक तो ये पहली बात हमारे न्यूट्रिएंट्स के पेट का खाना छीन रहा है और दूसरी बात पैथोजन भी बना रहा है जिससे सॉइल की क्वालिटी भी खराब हो जाए तो ये तो दोनों तरीके से हमारे लिए नुकसान है और हम कोई भी ऐसी चीज अपने खेती में या अपने लैंड पर ग्रो नहीं होने देंगे जिससे हमको हजारडियस इफेक्ट हो और बेनिफिशियली लॉस हो आई मीन इकोनॉमिकल लॉस हो ओके okay? सो so, आगे हमको क्या बताया गया है माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज एज हर्बिसाइड्स तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे इन हर्ब्स को किल करने के लिए कौन से हर्ब्स को किल करने के लिए वीड जैसे अनवांटेड हर्ब्स को किल करने के लिए ओके okay? मेनी डाइकॉट हर्ब्स डेट ग्रो इन द फील्ड ऑफ सीरियल्स एज वीड्स कैन बी किल्ड बाई सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो बहुत सारे ऐसे वीड जो कहीं पर भी ग्रो हो जाते हैं उनको हम किल कर सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म यूज़ करके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबियल हर्बिसाइड्स एदर होस्ट ऊपर हमने देखा था माइक्रोब्स एदर होस्ट फॉर प्लांट्स अब नीचे हम देख रहे हैं वीड्स को किल करने के लिए मतलब हर्बिसाइड्स को किल करने के लिए ओके सो माइक्रोबियल हर्बीसाइड्स एंडर होस्ट सो पहला हमको क्या बताया गया है पैथोजेनिक फंगाई एज माइक्रो हर्बिसाइड्स मतलब हम पहले फंगल स्पीशी यूज़ करेंगे वीड्स को किल करने के लिए सो फंगल स्पीशीज कौन सी कौन सी है फाइट ऑफ थोरा पाल्मीवरा इट कंट्रोल्स मिल्क वीड इन ऑर्कड्स मतलब आपने देखा होगा ऐसे अनवांटेड घास रहती है जिसके पत्ते बहुत मोटे मोटे रहते हैं उसके पत्तों को अगर हम तोड़ेंगे तो उसमें वाइट कलर का दूध निकलता है वो दूध बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है इट इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर अस ओके उसका क्या टॉक्सिसिटी होता है ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है लेकिन वो अनवांटेड पेड़ है वो अनवांटेड घास है तो उसको किल करने के लिए हम कौन सा फंगस यूज़ करते हैं फाइट ऑफ अल्टरनेरिया क्रासा इज़ यूज टू कंट्रोल वाटर याकि वाटर याकि क्या होता है आपने देखा होगा तालाब वगैरह में गांव में समुद्र के किनारे या किसी भी छोटे से पॉइंट या लेक के बाजू में पानी के ऊपर ना अनवांटेड पत्ते ग्रो होने लग जाते हैं अनवांटेड प्लांट ग्रो होने लग जाते हैं जो सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि ये पत्ते अगर पानी के ऊपर ग्रो हो जाएंगे तो सनलाइट वाटर के अंदर नहीं जाएगी जिसके वजह से पानी के अंदर ग्रो होने वाले प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे उनको उनका एयर और लाइट नहीं मिलेगी तो इस वजह से ये वाटर के ऊपर के प्लांट को याकिंत बोलते इस याकिंत को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा फंगस यूज़ करते हैं अल्टरनेरिया क्रासा दैन नेक्स्ट इज फ्यूसेरियम स्पीशीज़ दिस फ्यूसेरियम स्पीशी कंट्रोल मोस्ट ऑफ द वीड्स और ये फ्यूसेरियम स्पेशीज़ आधे से ज़्यादा सभी वाटर वीड्स हो या मिल्क वीड हो किसी भी वीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जा सकती है सो इट डिपेंड्स कि कौन सा स्पीशी आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ करोगे अपने अन अनवॉन्टेड वीड को मारने के लिए ओके okay. ये था फंगल स्पोर सोर्स ओके मतलब फंगस माइक्रो ऑर्गैनिज्म को यूज़ किया हमने अब हम यूज़ करेंगे बैक्टीरियल पैथोजन एज हर्बिसाइड्स तो कौन कौन से बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया गया है पहला है सुडोमोना स्पीशीज़ इट अटैक्स सेवरल वीड्स देन नेक्स्ट इज जैथोमोना स्पीशीज इट ऑल्सो अटैक्स सेवरल वीड्स एंड द लास्ट वन इज एग्रो बैक्टेरियम स्पीशीज इट अटैक्स सेवरल वीड्स मतलब ये सारे स्पीशीज हैं जो वीड्स को किल करते हैं तो पीछे हमने देखा बैक्टीरिया और फंगल माइक्रो हर्बिसाइड्स माइक्रोबियल हर्बिसाइड्स अब लास्ट बताया गया है इंसेक्ट यूज़ किया जाता है कीड़े मकोड़े छोड़े जाते हैं खेत में जो वीड को खा जाए और हमारे क्रॉप को ना खाए ओके सो फर्स्ट इंसेक्ट इज़ टायरिया मोथ इट कंट्रोल्स द वीड सेनेको जक जकोबियक देखो वीड की भी अलग अलग स्पीशीज़ होती है मैंने आपको पहले ही बोला तो टायरिया मॉथ कौन सी स्पीशी को किल करेगा कौन सी वीड की स्पीशी को किल करेगा सेनेकियो जेकोबैक और कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम इट विल कंट्रोल कॉक कैक्टाई वीड्स कैक्टस के फील्ड uh, में जो वीड्स ग्रो होते हैं या जो अनवॉन्टेड प्लांट्स ग्रो होते हैं उसको कैक्टोबा ब्लास्टिस कैक्टोरम कंट्रोल करेगा तो बेसिकली आपको क्या बताया गया है ये जितने भी माइक्रोबियल सोर्सेज के एग्जाम्पल दिए गए बैसिलस्थोरिन जेंसेज हो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज हो बैक्टेरियल फंगल वायरल या प्रोटोजोवन स्पीशी आपको यहाँ इस पूरे सेशन में क्या समझाया गया है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए और इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं बायो कंट्रोल कंट्रोल करना मतलब ग्रोथ को स्टॉप करना या किल करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करना या किल करना लेकिन केमिकल यूज करके नहीं दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करके अगर मैं कोई केमिकल यूज करके अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मारूंगी इंसेक्ट को मारूंगी तो उसको मैं बायो कंट्रोल नहीं बोल सकती क्योंकि यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर रहे हैं केमिकल यूज़ कर रहे हैं लेकिन अगर मैं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रही हूँ किसी दूसरे इंसेक्ट को मारने के लिए देन दैट फिनोमिनन इज नोन एज बायो कंट्रोलिंग एंड दिस एजेंट इज नोन एज बायो कंट्रोल एजेंट सो आई होप कि आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा कुछ डाउट है देन यू कैन फील फ्री टू आस्क आस्क्योर डाउट्स इन आवर कमेंट सेक्शन ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स आई होप द लेक्चर वॉज हेल्पफुल टू यू यू अंडरस्टूड द कंटेंट वट एवर वी ट्राई टू डिस्क वट एवर वी ट्राई टू गिव इट टू यू फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ डाउट है आपको कोई पर्टिक्युलर क्वेरी रह गई है देन फील फ्री टू आस्क्योर डाउट्स इन आर कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक टू द लेक्चर एंड इफ यू अंडरस्टूड इट दे मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन बिकॉज अवर टारगेट इज नाउ टू अचीव हंड्रेड लाइक्स ऑन दिस वीडियो मिनिमम हंड्रेड Unlimited kar sakthi app like so. Please make sure that you click on the like button, comment your reviews in the comment section so that we can get motivated and bring improvement in ourselves. And also, one very important request that please share these videos on your WhatsApp status, on your Instagram status. Please share our link to with your friends, with your family members as much as possible because you may never know you are helping somebody. विदाउट विद विदाउट एनी कॉन्शियस माइंड ओके तो आप प्लीज़ इस चीज़ को शेयर कीजिए जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स तक इन वीडियोज़ को पहुँचाइए हेल्प अस टू ग्रो वी विल हेल्प यू टू गेट अकनॉलेज एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू आर चैनल येट देन प्लीज़ गो एंड क्लिक ऑन दिस सब्सक्राइब बटन फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आई डी थैंक यू स्टेट यू सी यू सुन विद एन एक्स सेशन